5 मार्च को झुंझुनू में होने वाले सैनी माली जनचेतना महारैली को लेकर बुधवार को बगड़ में आयोजित कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहीं जनचेतना महारैली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिएगा बगड़ से लाइव रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। और अपने समाज की ताकत का प्रदर्शन करेगा, अपने समाज के प्रमुख देश के बड़े लोगों के सम्मुख सामने रख के अपने समाज की, अपनी जाति की, अपने जो सब तरह की जो बुराइयां उनको छोड़ते हुए ये मांग देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से करेगा। देखिए 5 मार्च को झुंझुनू माली सैनी समाज के द्वारा आयोजित इस महारैली के जिस उद्देश्य के लिए बुलाई जा रही है वो वैसे हमारे आयोजक समिति के सदस्य ने माननीय मुरली लाल जी ने आपको पता भी दिया, उसके बाद माननीय महेंद्र जी शास्त्री हैं, डॉक्टर साहब अध्यक्ष जी हैं, सारे लोग, ये पूरी कमेटी जो है वो समाज के जिला लेवल पर काम कर रही है। उद्देश्य के बारे में आपको बताया गया है और अकेला माली समाज ही नहीं बल्कि मैं अगर माली समाज की इस 5 तारीख को बुलाई जा रही है महारैली के उद्देश्य के लिए बात करें तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि इस देश में जब जब भी कोई क्रांति रही किसी भी क्षेत्र में तो इस देश के महापुरुषों ने क्रांति लाने का काम किया और उस महापुरुषों की क्रांति में पंथ में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का इस देश के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आप बताओ इस व्यवस्थाओं के देश में माता सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वो किसी और का थोड़ा ही रहा और उसके बावजूद भी विभिन्न सरकारों के द्वारा और इनको एक तरीके से भूल में डाला जा रहा है। जैसे देश की आजादी के समय काका कालेलकर के द्वारा जो आयोग तय किया गया था माध्यम से उनकी रिपोर्टों को झुठलाकर भारत की सरकार ने और रद्दी की टोकरी में डाल के रखा था। महापुरुषों के संघर्ष के बड़े दिनों बाद और इस आरक्षण पर विचार किया गया और वो भी जैसे अभी मुरारी जी ने आपको बताया है कि इस देश में संख्या के आधार पर और आरक्षण दे है और उसमें भी केवल इस देश की 52% के लोगों को, समाजों को, और केवल 21% आरक्षण दे है और उसमें भी तो माली समाज झुंझुनू चाहता है कि सरकारें इस बात पर गौर करें और उसकी जाति के अनुपात में और उनको आरक्षण दे होना चाहिए ताकि विभिन्न पदों में और समाज के और विभिन्न वर्गों के लोग आगे बढ़ सके और उनमें भी वेरिफिकेशन इस तरीके से किया जाए कि जिनकी जितनी अनुपातिक संख्या है उस आधार पर दिया जाना चाहिए। इसके लिए इस देश में संख्या की गणना होनी चाहिए जो सरकारें नहीं करवा रही। इस समस्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और माली समाज झुंझुनू जो है वो इस पे गौर कर रहा है और मैं तो ये भी समझता हूँ और कहता भी हूँ विभिन्न मंचों के माध्यम से कि ये सारा पार्लियामेंट और असेंबलियों के माध्यम से है। माली समाज को भी कहता हूँ सरकारों से पहले कि ये चीजें मांगने से नहीं मिलने वाली, चाहे वो महापुरुषों को सम्मान की बात है पार्लियामेंट में और चाहे वो विभिन्न सरकारों के द्वारा दिया जाने वाला आरक्षण, ये छीन कर लेना पड़ेगा और इसके लिए माली समाज के लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, अपनी जगह समाज का जो भी शीर्ष नेतृत्व हो उसको स्वयं अपने स्थान बनाने पड़े। इसके लिए समाज की एकजुटता परिचय देने के लिए हमारी आयोजक समिति ने ऐलान किया और आज झुंझुनू जिले का माली समाज का हर जनप्रतिनिधि, हर प्रोफेशनली एडवोकेट, चाहे कोई टीचर है, डॉक्टर है, हर समाज का आदमी लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और हमारी आशा और अपेक्षाएं हैं झुंझुनू के माली समाज के लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में ये रैली को सफल बनाएं। ऐसी आशा और विश्वास के साथ पूरे माली समाज से पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील और निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में 5 तारीख को पहुंचे। माननीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की है लेकिन हम चाहेंगे कि व्यवसायिक क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़े। हमारे समाज के माध्यम से हम इस प्रकार के संस्थान स्थापित करें जिससे हमारे बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा मिले और विशेष तौर से प्रशासनिक क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़े। इसके लिए हम समाज के माध्यम से ये मांग रखेंगे कि हमें अधिकाधिक
भामाशाह और दानदाता आ गया है और हम नए छात्रावासों का निर्माण करें, संस्थाओं का हम गठन करें। साथ ही जैसे आप जानते हो कि हमारा पुरातन जो व्यवसाय वो कृषि रहा है, कृषि व्यवसाय को हम चाहेंगे कि सघन कृषि के रूप में कृषि की जाए। जो हमारे किसान भाई किसानी करने वाले लोग हैं, सघन कृषि अभियान और ऑर्गेनिक खेती पे हम बल देना चाहेंगे कि आज राष्ट्र के लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके लिए हम इस बात का प्रयास करेंगे। साथ में मुख्य बात जो है, हमने अनवरत विगत 25 सालों से प्रयास किया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और राष्ट्र नायिका माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिले। इसके लिए हम इस रैली के माध्यम से एक संदेश भारत सरकार के पास भेजना चाहेंगे और राज्य सरकार से भी हम ये मांग करेंगे कि आप भी भारत सरकार से इस बात के लिए मांग करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ी हैं। जैसे आप जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिन्हें अपना गुरु मानते थे, तो हम चाहेंगे कि महात्मा जी का सम्मान हो, सावित्रीबाई फुले का सम्मान हो,